देखिए बात, आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान और सरकार के मंत्री में खूब तूतू मैमै हुई। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। दिल्ली विधानसभा में शायद ही किसी ने बीजेपी नेता जगदीश प्रधान को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना होगा, और ना ही आपके किसी मंत्री और विधायक ने जगदीश प्रधान का विरोध किया। सदन में जगदीश प्रधान के एक सवाल का जवाब देते हुए मामला इतना गर्म हो गया कि पड़ोसी विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधान के खिलाफ एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। समझा रहा हूँ तुम्हें, अपनी चलने वाली तुम्हारी जमीन पे कब्जे की राजनीति करने वाले नहीं है हम। तुम वहाँ पे कपिल जी तुलवाना चाहते थे, आप रोक ले, गरीबों के घर तुलवाना चाहते थे कपिल जी, कपिल जी तुम्हारी क्योंकि तुम्हारी मर्जी से बुलडोजर नहीं चला, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। कपिल जी अब बैठिए, मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। आप बैठिए, आप बैठिए, लेके की है, व्यक्तिगत टिप्पणी नाम लेके की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना, हो गया आपने कह दिया ना, बैठिए प्लीज, के नाम से, क्योंकि आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, तो मेरे को दिल्ली से भगाओगे क्या? मैं कब्जा तो मेरे सामने लाओ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अगर एक इंच भी जमीन जगदीश प्रधान ने कब्जा किया हो तो सदन से इस्तीफा दे दूंगा मैं। कपिल मिश्रा ने बीजेपी विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। सदन में बीजेपी विधायक ने भी शोर शराबे के बीच अपना पक्ष रखा। हमने बीजेपी विधायक से भी मामले के बारे में पूछा। नहीं, मेरी विधानसभा की नहीं, मैं जो मंत्री जी हमारे कपिल मिश्रा जी उनकी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है। गोकलपुर विधानसभा वहाँ से वहाँ भी नहीं है। तो इनको जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ स्कूलों की कमी है वहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। सदन में स्पीकर ने बीच बचाव कर दोनों नेताओं को चुप करवाया और अलग से शिकायत सुनने की बात कही। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इतनी सी बात पर मामला इतना गर्म हो गया या फिर इसके पीछे कुछ और ही हकीकत है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट। केजरीवाल सरकार के बजट के आंकड़ों को विपक्षी बीजेपी ने छलावा बताया है। बीजेपी के मुताबिक एक साल में सिर्फ एक ही मोहल्ला क्लिनिक खोली गई, जिसके मुताबिक 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए 1000 साल का समय लगेगा। बीजेपी ने स्कूल निर्माण की धीमी रफ्तार पर भी केजरीवाल सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम के दावों को विपक्ष ने ठकोसला करार दिया है। दूसरी बार बजट पेश करते समय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 21 नए स्कूल भवन के निर्माण, 8000 नए क्लासरूम के बनने का दावा किया था। मनीष के मुताबिक सरकार के पिछले एक साल के काम 442 स्कूल बनने जैसे हैं। सरकार के दावों से अलग विपक्ष स्कूल निर्माण की धीमी रफ्तार के लिए सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठा रही है। मुस्तफाबाद, जो सरकारी स्कूलों की संख्या के लिहाज से दिल्ली की सबसे पिछड़ी विधानसभा है, वहां से बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान भी केजरीवाल सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। जब भी विधानसभा सेशन चला है हर बार स्कूल का मुद्दा उठाया है और अभी तक पूरी तरह से उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि जो इस तरह की कॉलोनी हैं या विधानसभा हैं जहाँ स्कूलों की कमी है, वहाँ सबसे वरीयता पर वहाँ ध्यान दिया जाए। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनाती नहीं थकती। बीजेपी ने सरकार के कामों को दिखावा बताया। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के मुताबिक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में सरकार को 1000 साल लग जाएंगे। देखिए, ये बजट घोषणाओं का बजट है और पिछला बजट भी घोषणाओं का बजट था। हम किसी के बारे में अगर जानना चाहें तो उसका इतिहास देखना जरूरी होता है। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था, आधा पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ। ये दिल्ली का पहला साल है, एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक फ्लाईओवर नहीं बना। कोई भी बड़ा काम या छोटा काम एक ईंट पूरे साल में नहीं लगी। हुआ क्या है, तनख्वाहें 5 गुनी हो गई, 40 AC के मकान में चले गए, दिल्ली की विधानसभा के लिए TV मांग रहे हैं अलग से, तो 528 करोड़ रुपया रिश्वत के तौर पर मीडिया को बांटना, तो ये इनकी प्रायोरिटी है। सरकार के दावों को विपक्ष ने गलत आंकड़ों की गाथा बताया है। विपक्ष के मुताबिक MCD चुनावों में केजरीवाल सरकार की पोल जनता खोलेगी। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा। ओपी शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा होने में 1000 साल लग जाएंगे। मुस्तफाबाद से विधायक जगदीश प्रधान ने भी अपनी विधानसभा की समस्याएं सदन में गिनवाई।
अपरिपक्व अनुभवहीन सरकार का ये एक दिशाहीन बजट है। इनको अपने साथ ही ले जाओ। अध्यक्ष जी, पिछले साल के बजट में इसी प्रकार की विभिन्न घोषणाएं की गई थी, उनके लिए पैसों का प्रावधान भी किया गया था, परंतु साल भर बीत जाने के बाद उस बजट का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। वर्ष 2015-16 में 4,041,129 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो रिवाइज करने के बाद 37,965 का रह गया, 3164 उसमें करोड़ रुपए कम हो गए, विकास राशि 19,000 करोड़ रिवाइज होकर 1,640 करोड़ अर्थात 2600 करोड़ की उसमें कमी हुई। तो इस प्रकार ये पूरा बजट जिसकी घोषणाएं आपने की थी आप उसको पूरा नहीं कर पाए। राजीव जी भी कहते थे देख रहे हैं, तो आप भी देखते ही रह जाएंगे और 5 साल बीत जाएंगे। यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज का कार्य उसी धीमी गति से चल रहा है, उसमें भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हुई थी, लेकिन पूरे साल में आप केवल एक मोहल्ला क्लिनिक खोल पाए, तो मुझे लगता है कि आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए कम से कम 1,000 साल इंतजार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य देख मनुष्य के लिए बहुत ही अति आवश्यकता है कि अच्छे हॉस्पिटलों का निर्माण हो। अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही, 1,000 हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, तो पिछले साल में समझता हूँ शायद एक ही मोहल्ला केंद्र शुरू हो पाई है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ अधिकतर गरीब तबका रहता है, जो सरकारी हॉस्पिटलों के अलावा प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने में असमर्थ है, जो 500 रुपये फीस नहीं दे सकते, उन इलाकों पर जो कमजोर तबके के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, मजदूर तबका रहते हैं, वहाँ इस डिस्पेंसरी को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का प्रावधान होना चाहिए। जैसे मेरा करावनगर रोड की बात है, मैंने कल भी दोहराया था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, हाँ कोई बस नहीं आती। आधा रोड हमारा चौड़ा हो चुका है, आधा बीच में रुका हुआ है। कोई बच्चा स्कूल में परीक्षा देने जाना हो वो नहीं जा सकता, टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। कोई बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, किसी को सर्विस पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो उसका मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको प्रायोरिटी पर लेकर मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि और आप मेरे यहाँ कुछ करें ना करें, केवल स्कूल और इस रोड को छोटा करा दें, मैं आपका हमेशा आभारी रहूं। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अध्यक्ष कमेटी की सिफारिश को जो है यह खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद।